हेलो माय यूट्यूब फैमिली, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी है चने का साग, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चने का साग सर्दियों में खूब मिलता है और इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो चने का साग बनाने के लिए हमने आधा किलो चने का साग लिया है और इसके ये मुलायम मुलायम पत्ते और मुलायम जो डंडियाँ हैं उसको छाँट कर अलग कर लिया है। जो भी पीली पत्तियाँ होंगी और जो हार्ड डंडियाँ होंगी उनको निकाल कर अलग कर देना है। ऐसे ही हमने छांट कर रख लिया है और इसे 2 से 3 पानी हमने वॉश कर लिया है। उसके साथ हमने लिया है 250 ग्राम बथुए का साग, इसको भी हमने वैसे ही छांट के रखा है और 2 से 3 पानी हमने वॉश कर लिया है। इन दोनों सागों को हम बारीक बारीक काट लेंगे। तो पहले हम साग के एक बंच को उठाएंगे और उसके बीच से टुकड़ा करेंगे। ये देखिए, कुछ ऐसे टुकड़ा करेंगे। उसके बाद दोनों को एक साथ जोड़कर बारीक बारीक काट लेंगे। अगर आपके पास हंसिया है तो आप हंसिये से काटें। ये देखिए, एक बंच हमने काट लिया है। ऐसे ही हम पूरे साग को काट लेंगे। साग को काटने के बाद हम कुकर में डालते जाएंगे क्योंकि हमें कुकर में साग को उबालना है। ऐसे ही हम बथुए के साग को भी काट लेंगे। कुकर को हमने गैस पे रख दिया है। उसमें हम 1 कप पानी डालेंगे और लीड बंद करके इसे 3 से 4 सीटी आने तक उबाल लेंगे। और जब तक साग उबलेगा तब तक हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। इसके लिए हमने 2 टमाटर, 3 हरी मिर्चें और 1 अदरक का टुकड़ा लेकर बारीक काट लिया है। कुकर में 4 सीटी लग गई है। अब गैस को बंद करेंगे और कुकर को खुद ठंडा होने देंगे। देखिए, कुकर ठंडा हो गया। हम लिड खोल कर देखेंगे, साग हमारा गल गया है। इसे हम थोड़ा मैश कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में साग को दरदरा पीस सकते हैं। साग को हमने घोट लिया है, यानी कि मैश कर लिया है। अब एक बर्तन में 2 टेबल स्पून मक्की का आटा लेंगे और थोड़ा पानी डालकर उसे घोल लेंगे। आप मक्की के आटे की जगह पर बाजरे का आटा या फिर बेसन भी ले सकते हैं। अब इसको घोलने के बाद हम साग में मिक्स कर देंगे। बेसन या आटा इसलिए मिलाते हैं कि चने के साग थोड़ा रूखा होता है, उसको बेसन या आटा जो है उसको चिकना कर देता है। आटा मिक्स करने के बाद इसे हम कवर लगाकर 2 से 3 मिनट तक छोड़ देंगे, या फिर जब तक तड़का तैयार होता है तब तक यूं ही हम ढककर छोड़ देंगे ताकि आटा पक जाए। अब इधर हम गैस पर एक कढ़ाई या फिर पैन चढ़ाएंगे। उसमें 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इसके बाद उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा, 1 सूखी लाल मिर्च, 1 पिंच हींग। उसके बाद जीरा चटकने तक इसको हम भून लेंगे। जीरा चटक चुका है। अब इसमें हरी मिर्च और कटी हुई अदरक डाल देंगे और अदरक के कच्चापन दूर होने तक भूनेंगे, यानी कि 1 मिनट के लिए भूनेंगे। यहाँ पे फ्लेम को हम मीडियम टू लो रखेंगे। अदरक भून चुका है। अब इसमें हम कटा हुआ टमाटर डालकर सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। टमाटर को थोड़ी देर पकाने के बाद इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे। फिर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने से टमाटर जो है जल्दी गल जाता है। ये देखिए, नमक डालते ही टमाटर गलना शुरू हो गया है और तेल अलग होने लगा है। टमाटर गल चुका है और तेल अलग हो चुका है। इसे एक बार चला लेंगे। उसके बाद इसमें जो हमने साग तैयार करके रखा है उसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। साग को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम ढक देंगे और उसके बाद 10 मिनट तक हम एकदम लो फ्लेम पे कुक होने देंगे, यानी कि पकने देंगे साग को। बीच बीच में साग को हम चलाते भी रहेंगे, नहीं तो साग तले में लग जाएगा और टेस्ट खराब हो जाएगा।
10 मिनट हो गए हैं, अब हम साग को चेक कर लेते हैं। ये देखिए साग हमारा तैयार है, इसे एक बार हम फिर से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। जब तक हम प्लेटिंग करते हैं तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कर दें। वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम इससे अच्छी अच्छी वीडियो लाकर आपको दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।